नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। तो आज अपन इस वीडियो में बात करने वाले हैं आपकी जो ग्रुप 4 की एग्जाम हो चुकी है उसका कट ऑफ कितना जा सकता है। एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आपने जो ग्रुप 4 का एग्जाम दिया है उसका सारी कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपका जो कट ऑफ है वो कितना जा सकता है। तो वीडियो को एंड तक देखना। उससे पहले जो लोग चैनल पर नहीं आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको इस लेटेस्ट अपडेट्स और इसी जानकारियां मिलती रहेगी। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आज अपन बात करने वाले इस वीडियो में ग्रुप 4 के एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। तो आपकी जो कैटेगरी है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको आज कट ऑफ बताने वाला हूँ कि कितना जा सकता है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं जनरल कैटेगरी की। जनरल कैटेगरी का कट ऑफ कितना जा सकता है ग्रुप 4 के पेपर के जो लेवल था उसके अकॉर्डिंग। तो आपका जो एग्जाम्स जैसा भी गया हो बट कट ऑफ आपका जो जनरल का है वो जाने वाला है 78 से लेके 80 नंबर तक। और जो हाईएस्ट मार्क्स होंगे वो तो अलग ही जाते हैं, आपके 90 प्लस जाते हैं आपको पता होगा, बट मैं कट ऑफ मार्क्स बता रहा हूँ एक कि 78 से 80 80 नंबर तक आपका जो ये जनरल का कट ऑफ वो जा सकता है। आपके इसके आसपास एक आधी नंबर आसपास हो तो आप एकदम श्योर हो सकते हो कि आपका ग्रुप 4 में कहीं ना कहीं हो जाएगा। ओबीसी की बात करते हैं तो ओबीसी का कट ऑफ एक आधी नंबर इससे कम जाएगा, मान के चलिए 76 या 77 समथिंग आपका जो है ओबीसी का इसका कट ऑफ जाने वाला है, क्योंकि इस बार कॉम्पिटिशन ओबीसी कैटेगरी में ही बहुत ज़्यादा था, आपने देखा होगा, और फॉर्म भी ओबीसी की कैटेगरी के ही भराए थे। तो ओबीसी का जो कट ऑफ है वो लगभग इतना ही जाएगा आपका 76 77 नंबर के समथिंग, ठीक है। फिर बात करते हैं एससी कैटेगरी की। तो एससी का जो कट ऑफ है वो जाएगा आपका 71 से 72 या 73 नंबर तक आपका एससी का कट ऑफ जाने वाला है इस बार, क्योंकि इस बार का जो कॉम्पिटिशन है वो तगड़ा कॉम्पिटिशन हुआ है। तो आपका जो एससी का कट ऑफ है वो भी लगभग आपका 70 प्लस ही आपका जाने वाला है। बात करते हैं एसटी की। तो एसटी का जो कट ऑफ है वो जाने वाला है 65 नंबर तक। 65 नंबर तक आपको एसटी के आए हैं या फिर उससे एक आधी नंबर ज़्यादा या एक आधी नंबर कम तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा एसटी कैटेगरी में, ठीक है। तो इस प्रकार के मैंने कुछ आपको कट ऑफ बताए कि जनरल में यदि आपको 78 या 80 तक नंबर है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ओबीसी में मैंने आपको बताया कि 76 77 नंबर यदि आपके हैं तो आप एक श्योर मान के चल सकते हैं कि आपका ग्रुप 4 के एग्ज़ाम में हो जाएगा। एससी कैटेगरी में भी आपका 70 प्लस यदि नंबर है 70 प्लस नंबर है तो ही आपके चांस हो सकते हैं। और एसटी का मैंने आपको बताया जैसा कि 65 नंबर के समथिंग आपके नंबर है तो एसटी कैटेगरी में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये एक एक्सपेक्टेड मैंने कट ऑफ बताया ग्रुप 4 का कि ये इतना हो सकता है। तो होप सो आपको चीज़ समझ में आई होगी। चीज़ समझ में आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, अपने दोस्तों में ज़्यादा शेयर कर दिए। चलिए नए वीडियो मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।